इस वर्ष रामनवमी के शोभा यात्रा में पूर्णिया के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और प्रेम एवं सौहार्द का अनोखा मिसाल पेश किया। एक तरफ जहां हिंदू भाई जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम भाई उन पर फूल बरसा रहे थे और शरबत पानी पिलाकर उनका स्वागत कर रहे थे। यह नज़ारा लोगों के दिलों में काफ़ी सुकून देने वाला था। यही वजह रहा कि सामाजिक लोगों ने इसकी जमकर तारीफ भी की। इस सामाजिक मिसाल से जिला प्रशासन भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि पूर्णिया डीएम प्रदीप कुमार झा ने भी पूर्णिया के लोगों एवं पुलिस प्रशासन की जमकर तारीफ की है। आप लोगों के माध्यम से भी हमने सुना है कि जनता के बीच में इस बात का बहुत ही हर्ष है कि जिस तरह से इस बार हम लोगों ने रामनवमी त्यौहार को जिले में एक साम्प्रदायिक सौहार्द का मिसाल पेश करते हुए मनाया है, जिसमें कि सभी समुदाय के लोग आए और इतनी बड़ी भीड़ को इतने संयमित और इतने नियंत्रित और इतने डिसिप्लिन तरीके से आयोजन का जो क्रियान्वयन किया गया, उसको पूरे दिन जिस तरह से उसको संचालित किया गया, उसके लिए मैं पूर्णिया जिले के तमाम नागरिकों को सबसे पहले बधाई देता हूँ। वो बधाई के पात्र हैं। उसके साथ ही मैं प्रशासन एवं पुलिस के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी जो इस पूरी कार्य में लगे हुए थे, विधि व्यवस्था के कार्य में लगे हुए थे, उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि इस तरह का कार्य करके उन्होंने जो एक अनूठा मिसाल पेश किया है और अच्छा कार्य करके एक जनता के बीच में भी जो एक मैसेज गया है कि प्रशासन एवं पुलिस सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है और प्रसन्नता की बात है। यह बहुत ही अच्छी बात है और नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें होती हैं तो जानकर प्रसन्नता होती है। यह जिला पदाधिकारी के रूप में पूर्णिया में यह मेरा पहला रामनवमी था। इससे पहला मैंने दुर्गा पूजा दशहरा भी देखा था, फिर अन्य भी आयोजन होते रहे हैं, आपदा की स्थिति भी हम लोगों ने देखी है। तो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में लोगों ने जिस प्रकार से एक सकारात्मक सोच के साथ एक इवॉल्व माइंडसेट जिसको बोलते हैं कि बहुत ही खुले विचार, खुले मन वाले व्यक्ति हैं, उस तरह की जो यहाँ पर लोगों के बीच की भावना देखी जाती है, उससे बड़ा बहुत ही अच्छा लगता है और इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम यहाँ के लिए और कुछ करें। वहीं इस कार्यों की कुछ अधिवक्ताओं ने भी जमकर तारीफ की। पिछले 27 वर्षों से पूर्णिया में रामनवमी का त्यौहार जो है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ की यह विशेषता रही है कि यहाँ सर्वधर्म समभाव है और सब दिन शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ का काम होता रहता है। इस बार बहुत सारी प्रशासन की ओर से तैयारी की गई थी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन सभी जो है इसमें लगे हुए थे कि शांतिपूर्ण ढंग से यह आयोजन हो जाए। वहीं जो रामनवमी पूजा समिति है वो अलावे तमाम सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए थे कि पूर्णिया का एक इतिहास जो बना हुआ है शांति का, वो संदेश हम लोग बराबर देते रहेंगे। और सबसे खुशी की बात ये रही कि यहाँ इस बार इस रामनवमी के जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, और शामिल ही नहीं हुए बल्कि शरबत पिलाने का काम और फूल बरसाने का काम भी किया गया, जो एक अपने आप में अद्भुत है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है और ये पूर्णिया के जो सामाजिक वातावरण को है दर्शाता है, सर्वधर्म संभाव को दर्शाता है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, इस बात को दर्शाता है।